नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मेरे चेहरे की खुशी देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज कुछ खास है। और मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट लगा दिया है तो आप सबको पता लग ही गया होगा कि आज क्या खास है। जी हाँ, आज मेरा हो गया है चैनल मोनेटाइज, जिसका कि मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और हर एक यूट्यूबर को होता होगा। मेरे ख्याल से जब हम लोग नया नया अपना चैनल स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिल में एक यही इच्छा होती है कि हम भी कभी फेमस होंगे, हमारा भी चैनल आगे जाएगा। और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया और बहुत मुश्किलों के बाद हुआ, बहुत कुछ सहा है मैंने इस चैनल को आगे ले जाने के लिए। तो जो भी मेरी जर्नी है वो मैं आप सबके साथ बाद में शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं अपने पिछले 5 दिन जो मैंने बहुत ही बेसब्री के साथ निकाले, बहुत ही टेंशन में निकाले, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि पिछले 5 दिन मेरे कैसे गुजरे हैं। और मैंने जो है संडे को अपना चैनल रिव्यू के लिए भेजा था, मैंने और मेरी एक और फ्रेंड है अनु क्रिएटिविटी एंड व्लॉग्स, तो हम दोनों ने साथ साथ अपना चैनल रिव्यू के लिए भेजा था। अनु ने बोला कि दीदी जब आपका चैनल आपका बॉस टाइम पूरा होगा हम दोनों साथ ही भेजेंगे, तो वो मेरे लिए वेट कर रही थी और हम दोनों ने एक साथ भेजा और आज एक साथ ही हमारा रिजल्ट आया। और इस बीच में मैं क्या बोलूँ, पहली बात तो मुझे कुछ शब्द ही समझ में नहीं आ रहे हैं। आज इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ मैं, और नर्वस होने के चक्कर में मैंने 5 दिन पहले से एक वीडियो बना के रखा था कि अपलोड करूँगी, जो कि मैंने अभी अभी अपलोड भी कर दिया था और वो गलत वीडियो मुझसे अपलोड हो गया, इसलिए मैंने प्राइवेट कर दिया है उसको। मैं अब उसके बदले में 2-3 दिन ठहर के दोबारा से जो मेरा ओरिजिनल वीडियो था इसी से रिलेटेड, जो अभी अभी मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो दोबारा अपलोड करूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो मेरा वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा दोबारा से। और क्यों नहीं कर रही थी मैं वीडियो अपलोड 5 दिन से, काफ़ी क्यूरीज आ रही थी, काफ़ी दोस्तों ने कंसर्न दिखाया, तो सबको दिल से थैंक यू। बहुत लोगों ने मैसेज किए कि शिल्पी जी आपका वीडियो नहीं आ रहा, आपका मोनो नहीं हुआ, या क्या चक्कर है, आप ठीक हो नहीं हो, तो उतने प्यार के लिए सबका दिल से धन्यवाद। और वीडियो मैं अपलोड इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे कुछ एक दोस्तों ने कहा कि अगर चैनल आपका अंडर रिव्यू है तो आप अपने चैनल के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, कोई वीडियो अपलोड मत कीजिए, कोई लाइव अटेंड मत कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो अभी मैंने आपको बताया मेरी फ्रेंड अनु क्रिएटिविटी, जिनका मेरे साथ ही मोनो का मेल आया है, तो वो अपने चैनल पर रेगुलर वीडियोस भी अपलोड कर रही थी, प्रीमियर भी लगा रही थी वीडियोस में और एल्विस वगैरह में भी जा रही थी। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, अगर कल को आपको किसी को चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप तब तक अपने चैनल पे कोई काम नहीं कर सकते जब तक आपका चैनल अंडर रिव्यू है। अनु ने मुझे बात समझाने की कोशिश भी की कि दी अगर 1 महीने तक हमारा चैनल रिव्यू में रहा तो क्या हम वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन ये टाइम ऐसा होता है जब हम लोगों के दिल में डर होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए हमारे चैनल के लिए, हमारी मेहनत पे पानी ना फिर जाए, तो मैंने रिस्क लेना अच्छा नहीं समझा और मैंने नहीं की। तो उसी चक्कर में 5 दिन पुराना वीडियो और आज मोनेटाइजेशन होने के बाद मुझे जल्दी थी वीडियो अपलोड करने की, तो मैंने गलती से गलत वीडियो अपलोड कर दी जो कि एडिट करना बाकी था, तो इसलिए मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है। आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा। और पिछले 5 दिन हम लोगों ने कैसे निकाले हैं वो हमें पता है, मुझे और अनु को पता है, क्योंकि कुछ एक लोगों का मैंने सुना था कि 2 घंटे में आ रहा है चैनल, किसी का 1 दिन में आ रहा है, किसी का 48 घंटे में आ रहा है। हमें 5 दिन हो गए थे वेट करते करते। संडे को इवनिंग में हमने 4 बजे के आसपास अप्लाई किया था और जो कुछ भी हुआ, हम दोनों का वॉच टाइम भी एक साथ जैसा ही था बिल्कुल एग्जैक्टली, और मेल भी साथ साथ आए हमें, जो भी मेल आए वहाँ YT से। तो तब से लेके अब तक हमारा डेली व्हाट्सअप पे कांटेक्ट, दी आपका हुआ, अनु आपका हुआ, आपको कोई मेल आया नहीं आया, सब ऐसा ही कुछ चल रहा था। और इतनी सी बीच में द गुडविल वर्ड से मोहित कांत वर्मा, उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होने दिया। इंस्टा पे दिन रात हमारी बात होती थी, हमसे मुझे वो बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत समझाते थे कि शिल्पी जी आप ऐसे उदास मत होइए, जल्दी आएगा मेल आएगा आपको। तो मोहित ने भी मेरी बहुत हेल्प की। और उसके बाद जैनवन भाई हैं, जैनवन इंसाइट उनका चैनल है, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। मैं कभी उनके साथ इतनी खास वीडियोस पे आना जाना भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी भाई ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने भी हमसे 1 दिन पहले अप्लाई किया था और 1 दिन पहले उनका मेल आया, यानी उनको भी टोटल 5 डेज लगे,
लेकिन उन्होंने भी मेरे चैनल को सुधारने में, जो भी मेरे से गलतियाँ हुई थी उनको ठीक कराने में मेरी बहुत हेल्प की। तो जैनवन भाई आपको भी दिल से धन्यवाद। और उसके बाद आप सबको धन्यवाद है जिसने भी मुझे सपोर्ट किया, जो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, चाहे मैं उनके घर जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ, मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे बड़ा थैंक्स मेहरून दी फिर से आपको, क्योंकि अगर आप ना होते तो मैं ये चैनल दोबारा से नहीं बनाती और आज इस मुकाम पर नहीं पहुँचती। तो एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स मेहरून दी को। और सोनम, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, बस यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्द तुम भी अपना चैनल बनाओ और जल्दी से हमारे बीच में वापस आ जाओ। और पिछले 5 दिन रात या दिन जो भी था, बार बार मेल चेक करना, बार बार क्रोम चेक करना कर करके पागल हो गई थी मैं, पागल हो गई जैसे, बार 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 उसको क्लिक करना, बार बार खोल के देखना, अभी मेल आए, अभी मेल आए, अभी मेल आए। धीरे धीरे ना वो आस एक टूटने सी लगी थी, लेकिन आज जब मेल आया तो आंखों से आंसू नहीं रुके, खुशी के आंसू बोलते हैं ना, जब खुशी होती है इंसान को तब भी रो पड़ता है और जब दुख होता है तब भी रो पड़ता है। आज मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और इससे ज़्यादा तो मैं अब कुछ बोल नहीं पाऊँगी आज की वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो भी मेरी YouTube की जर्नी है, यहाँ तक का जो भी सफ़र है, वो मैं आप सबके साथ आगे अपनी अपनी और किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। एक बार फिर से चलते चलते अनुजी आपको भी मोनो के लिए बहुत बहुत बधाई, और मेरे सारे दोस्तों को भी मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया, आप सब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं भी आप सबके साथ हमेशा बनी रहूँगी, आपका सपोर्ट करूँगी और आप लोग भी मेरा साथ ऐसे ही देते रहिएगा। ये नहीं है कि मोनेटाइजेशन हो गया तो मैं आपको भूल जाऊँ या आप लोग मुझे भूल जाएँ, हमें आपस में ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट करना है और करते रहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड, लेती हूँ आपसे इजाज़त। वंस अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।